नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बिना पैसा खर्च किए गूगल की मदद से अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। बिजनेस चाहे बड़ा हो या छोटा, टेक्नोलॉजी की मदद से हर कोई ग्रोथ अचीव कर सकता है। जैसे व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर बिजनेसमैन को बिजनेस मैनेज करने में हेल्प करता है, कुछ इसी तरह से गूगल भी एक बिजनेसमैन की कस्टमर एक्वायर करने, सेल इंक्रीज करने और एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड नेम क्रिएट करने में सहायता करता है। आज के मॉडर्न टाइम में अगर कस्टमर को कुछ भी परचेज करना होता है तो वो सबसे पहले गूगल पे सर्च करता है कि उसकी पसंद की चीज़ कहाँ पर जल्दी और आसानी से मिलेगी, उसका रिव्यूज कैसा है, जो उसे बेच रहा है उस सेलर का रिव्यू कैसा है, या फिर उस चीज़ के अल्टरनेट में क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल हैं, और फिर कहीं जाकर कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करता है। इसी कारण से आज छोटे बड़े सभी बिजनेसेस के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि वो ऑनलाइन अवेलेबल हो, ताकि कस्टमर्स उनका लोकेशन, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और रिव्यू वगैरह चेक कर सकें, अपॉइंटमेंट बुक कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर कनेक्ट हो सकें। तो आइए समझते हैं कि आप अपने बिजनेस को गूगल की मदद से कैसे ग्रो कर सकते हैं। गूगल के पास कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस और टूल्स हैं जो प्रोफेशनल्स या इन जनरल दुनिया भर के लोगों के लिए मददगार हैं। आज हम ऐसे ही कुछ टूल्स को जानेंगे जो एक बिजनेसमैन के लिए मददगार हो सकते हैं, फिर चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो या फिर सर्विस बेस्ड। इसमें सबसे पहले है गूगल माई बिजनेस, जिसका नाम फिलहाल बदलकर गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर हो गया है। ये इजी टू यूज टूल बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस की ऑनलाइन प्रेजेंस मैनेज करने के लिए है, यानी कि गूगल मैप्स और गूगल सर्च में आपके बिजनेस की मौजूदगी। बिजनेस का ऑनलाइन होना आपके कस्टमर्स को एक सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस देने, कस्टमर्स रीच बढ़ाने, उनमें ट्रस्ट बिल्ड करने और ब्रांड इमेज क्रिएट करने में बहुत ही मदद करता है, और यही हर बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी फैक्टर्स हैं। कस्टमर गूगल सर्च में या गूगल मैप्स में आपको आपके स्टोर के नाम से या आपके द्वारा लिस्टेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के नाम से सर्च करेगा और आपको चुटकी में खोज निकालेगा। ये टूल आपको कस्टमर से इजीली कनेक्ट करने में भी हेल्प करेगा। आप कस्टमर्स को मार्केटिंग पोस्ट्स, डायरेक्ट मैसेजिंग और अदर फीचर्स को यूज़ करके लूप में रख सकते हैं और यहीं से उन्हें ऑफर्स की जानकारी भी दे सकते हैं। चाहे आप रेस्टोरेंट चलाते हो, स्टोर चलाते हो या आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आपका प्रोफाइल कस्टमर्स को आपके साथ बिजनेस करने में मदद करेगा, और वो भी इजीली एंड डायरेक्टली विद प्रोडक्ट मेन्यूज, कोट्स एंड मोर। आइए देखते हैं कि ये होगा कैसे। तो बिल्कुल सिंपल है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आप google.com पर जाएं और यहाँ नीचे की ओर बिजनेस पर क्लिक कर दें, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्रिएट करनी है अपनी प्रोफाइल। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाने पर गूगल में कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैनेज नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने बिजनेस का डिटेल्स, जैसे कि नेम, उसके बाद एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस टाइप इत्यादि फिल करना होगा। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा, जहां पर कस्टमर्स आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक डिटेल्स जैसे स्टोर टाइमिंग्स, डिस्क्रिप्शन में मैसेज जो आप यूजर्स को बताना चाहते हो अबाउट योर स्टोर, और स्टोर की फ़ोटोज अगर आप ऐड करना चाहें तो। वैसे ये काफ़ी यूजफुल रहता है, इससे एक तरह का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। तो इस तरह बन जाएगा आपका बिजनेस प्रोफाइल ऑन गूगल, जो कि यूजर्स को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके साथ ये टूल आपको ये भी समझने में मदद करेगा कि कौन से कीवर्ड्स को सर्च कर लोग आपके पास आते हैं, आपको कॉल्स करते हैं, किस प्रोडक्ट सर्विस या आपकी कौन सी क्वालिटी पे रिव्यू देते हैं या बुकिंग्स करते हैं। यानी कि इस टूल की मदद से अपना बिजनेस गूगल पर रजिस्टर करने के बाद
आप अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक घर बैठे ही फैला सकते हैं। गूगल एड्स एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जहां एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइजमेंट्स डिस्प्ले करने के लिए बिड करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आपके सर्विस ऑफरिंग्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग्स और ब्रांड वीडियोस का हो सकता है। गूगल एड्स की मदद से आप उन ऑनलाइन कस्टमर्स को भी टारगेट कर सकेंगे जो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सर्च कर रहे हों। और थोड़ी ही देर पहले हमने बताया था कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल स्टैटिस्टिक्स से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स को सर्च कर लोग आपके पास आते हैं। गूगल एड्स की ये सर्विस आपको कस्टमर विजिट बढ़ाने और इंक्वायरी जनरेट करने में हेल्प करेगी। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको चार्जेस तभी पे करने होंगे जब कोई आपके एड्स पे क्लिक करेगा या फिर आपको कॉल करेगा। सिर्फ एड को लिस्ट करने का कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। नए यूजर्स को गूगल अक्सर कुछ क्रेडिट भी देता है ताकि शुरुआत में आपको एड्स पे क्लिक या कॉल्स का भी पैसा खुद से ना देना पड़े। ये ऑप्शन आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते समय भी दिया जाता है। तो आइए देखते हैं ये होगा कैसे। गूगल एड्स सेटअप करने के लिए आपको google.com पर जाकर नीचे एडवर्टाइजिंग पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर आप अपने गूगल एड क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट पे मेंशन हेल्पलाइन नंबर पर मंडे टू फ्राइडे 9 से 6 बजे के बीच कॉल करके भी एड सेटअप करवा सकते हैं। अगला टूल है गूगल शॉपिंग। जैसे हमने शुरुआत में भी बताया कि किसी को कुछ भी सामान परचेस करना होता है या सेवा की जरूरत होती है तो वो सबसे पहले गूगल पे सर्च करता है। बायर्स के लिए गूगल शॉपिंग एक टूल है जिसकी सहायता से वो अलग अलग वेंडर्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन सर्च और कंपेयर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे एज अ रिटेल मर्चेंट और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो एज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर करना होगा। तो इसके लिए google.com पर जाएं और यहाँ सर्च बार में गूगल मर्चेंट सेंटर टाइप कर एंटर कर देंगे तो जो सबसे पहली साइट आएगी वो गूगल की ही होगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप रिटेल मर्चेंट सेंटर के पेज पर पहुँच गए हैं और गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो यहाँ ऊपर की तरफ जो सॉल्यूशंस का टैब है वहाँ जाकर मैन्युफैक्चरर सेंटर पर क्लिक करें और फिर एज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आप चाहें तो अपने मर्चेंट सेंटर अकाउंट को मैन्युफैक्चरर सेंटर अकाउंट से सिंक भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने और अकाउंट सेटअप करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एनलिस्ट करने के लिए यहाँ से लिस्टिंग्स में जाना होगा। अब जब भी कोई गूगल में उन प्रोडक्ट्स को सर्च करेगा जो आपने भी लिस्ट किए हुए हैं तो यहाँ शॉपिंग के अंदर उन्हें इस तरह से लिस्ट में आपके प्रोडक्ट्स भी दिखाई देंगे जहाँ पर यूजर्स प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ये टूल आपको अपने शॉप की और शॉप में बिकने वाले सामान की जानकारी गूगल तक और भावी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करेगा। नेक्स्ट जो यूजफुल टूल है वो है गूगल पे टू मैनेज योर बिजनेस पेमेंट्स। आई बिलीव कि गूगल पे से आप सभी लोग फैमिलियर होंगे। आज इंडिया के हर कोने में आपको ऐसे बिजनेसमैन मिल जाएंगे जो गूगल पे या कोई अन्य यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। आज शायद यूपीआई इंडिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला पेमेंट मैकेनिज्म बन चुका है। गूगल पे आपके लिए पेमेंट को एक्सेप्ट करने, ऑफर्स शेयर करने, सेल्स ट्रैक करना और कस्टमर से कनेक्ट होना इत्यादि को बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के काफ़ी आसान बनाता है। कुल मिलाकर 80 भीम यूपीआई एप्स ऐसे हैं जिसको यूज़ करके कस्टमर आपके गूगल पे से लिंक्ड बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेज सकते हैं। इसके अलावा मर्चेंट्स को गूगल पे से ट्रांजैक्शन करने पे अलग अलग ऑफर्स, कूपन्स और रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। आइए देखते हैं ये करना कैसे है। गूगल पे बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर पर जाना होगा। यहाँ आप सर्च करेंगे गूगल प्ले फॉर बिजनेस और फिर यहाँ से इसे इंस्टॉल कर देंगे। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट लिंक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इंस्टॉल होते ही इसे ओपन करेंगे। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते ही आपको अपने ईमेल आईडी सेलेक्ट करना होगा।
आप चाहें तो यहाँ से ईमेल चेंज भी कर सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। अब गूगल आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, जैसे कि डिवाइस लोकेशन और अलाउ फोन कॉल्स। इसके बाद हम सेटअप पेज पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन। अब क्योंकि आप ऑनर हैं तो आप पहले ऑप्शन सेटअप बिजनेस एज ऑनर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ आपको एंटर करनी होंगी बिजनेस डिटेल्स। सभी डिटेल्स इस तरह से वन बाय वन एंटर कर देंगे और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। अब सेलेक्ट करना होगा आपको बिजनेस कैटेगरी। हमने फॉर एग्जांपल क्लोथिंग एंड फैशन सेलेक्ट कर दिया है। अब उसके अंदर किस टाइप का क्लोथिंग है वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद होगा बिजनेस लोकेशन। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लोकेशन की परमिशन दे दी थी तो हमारी करंट लोकेशन के हिसाब से यहाँ डिटेल्स फिल हो गई हैं। आप इसे यहाँ से बदल भी सकते हैं और यहाँ पर मैप पे आपको अपना लोकेशन फिक्स करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि अगर आप कस्टमर्स को होम डिलीवरी भी देते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर लें, अगर नहीं तो फिर रहने दें। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको एंटर करना होगा अपना मोबाइल नंबर। नंबर एंटर करके कंटिन्यू कर देंगे और OTP से वेरीफाई कर देंगे। नेक्स्ट आपको एंटर करनी होगी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यानी आपके बिजनेस का पैन कार्ड नंबर और GSTIN नंबर। पैन कार्ड नंबर और उसका फोटो मैंडेटरी होगा, जबकि GSTIN ऑप्शनल है। आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको उस बैंक की डिटेल्स ऐड करनी है जिसे आप बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं और डिटेल्स एंटर कर कंटिन्यू कर देंगे। तो आपका गूगल पे बिजनेस अकाउंट रेडी है। अब इसमें आपको डेली, वीकली और मंथली ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी मिल जाती है। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आपको यहाँ ट्रांजैक्शन में वो ऑप्शन मिल जाएंगे और इसका फ़ायदा ये है कि इससे सेल्स को ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट जो टूल है वो है यूट्यूब ब्रांड चैनल। 200 करोड़ ग्लोबल यूजर्स के साथ यूट्यूब मॉडर्न स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक वाइटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। कई सारे कस्टमर्स आज यूट्यूब पे अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विसेज का रिव्यूज, कंपैरिजन इत्यादि देखते हैं। इसलिए आज कई सारे मॉडर्न बिजनेसेस यूट्यूब का उपयोग कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए कर रहे हैं। यूट्यूब न्यू ऑडियंस को रीच करने, बिजनेस ग्रो करने और ब्रांड बिल्ड करने के लिए काफ़ी सहायक हो सकता है। इन सब के अलावा आप YouTube मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में भी हिस्सा लेकर YouTube वीडियोस के जरिए पैसा भी कमा सकते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा। YouTube पे अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए आपको ब्राउजर में youtube.com एंटर करना होगा। अब अगर आप फ़ोन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जनरली जो ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हैं उससे ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक कर आपको अपने एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी से लॉगिन कर अकाउंट बनाना होगा, या फिर आप नया ईमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। और अपने बनाए वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ मौजूद अपलोड वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी 5 गूगल टूल्स की, जो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं आपको और किस विषय में और जानकारी चाहिए, ताकि हम अपने अगले वीडियो में उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाएं। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट भी कर ही दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी व्यापारी।